तो यार थोड़ी न्यूज देख लेते क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में। ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस में हुआ बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला मर्डर। टनल के बीचों बीच हुआ है मर्डर। आप देख सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव फुटेज में कितना ज्यादा खतरनाक मर्डर किया है उस मर्डरवर ने। पुलिस को नहीं पता कि किसने किया ये मर्डर। आप देख सकते हो खून के निशान कितने ज्यादा खतरनाक है। सारे की सारी लॉस सैंटोस की पुलिस वहाँ पे खड़ी है पर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। सुनिए ऑफिसर्स ने क्या कहा। जो भी उस मर्डर करने वाले को पकड़ेगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। तो किसी को भी दिखे वो मर्डर वाला, किसी को भी शक हो तो पुलिस वालों को बताएं। यही थी ब्रेकिंग न्यूज। जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। अरे भाई यार ये क्या चलता है यार लॉस सैंटोस। जब देखो जब मर्डर हो जाते हैं भाई पता नहीं क्या ही हो रहा है यार। ये इतना से खतरनाक मर्डर हो रहे हैं और वो मुंडिया देखी भाई कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। एरिया पे की भी क्या हो गया यार। अबे शिनचैन भाई लॉस सैंटोस में इतना ज्यादा खतरनाक मर्डर हुआ है ना कि बस यार। और पुलिस वालों ने बोला है जो भी उसको पकड़ेगा उसको बहुत ही तगड़ा इनाम मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। अपन जगह पकड़ लेते हैं यार, अपन को इनाम मिलेगा। अब ऐसे कैसे पकड़ेंगे, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एरिया पे की भी ट्राई तो करते हैं। और यार ट्राई तो कर सकते, चला जाए शिनचैन कुछ ना कुछ ट्राई करते, क्या पता हमें पकड़ ले तो हमको मस्त वाला अवार्ड मिल सकता है यार। गवर्नमेंट के प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी चीजें भी हो सकती है। हमको पैसे भी मिल सकते, हमको घर भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। गाइस यार जल्दी जाके यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट करना ताकि जब भी नई वीडियो डाल लूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जल्दी से चलते हैं उन पकड़ने उनको। तो गाइस यार अभी हम आ चुके हैं उस लोकेशन में जहां पे वो खतरनाक वाला मर्डर हुआ यार। यहां पे उस टनल के यहां पे आ चुके हैं और यहां पे देख सकते हो कितने ज्यादा पुलिस वाले खड़े हैं। अभी यहां पे मैं अपनी गाड़ी लगा देता हूं शिनचैन में, जल्दी से पूछ के आता हूं। तो इधर रुकियो एडिटी की पिक पे जल्दी पूछ के आओ, जल्दी जाके पूछ के आता हूं। अरे ऑफिसर यार मैं यहां पे जाना है मुझे। अरे बेटा क्यों जा रहे, क्यों जाना है? अरे मुझे यार देखना है अंदर क्या हो रहा है। अरे कोई शादी चल रही है, निकल यहां से। अरे अरे ऐसे क्या बात कर रहे हो। अरे अरे मर्डर हुआ है मर्डर, अभी देखो डर नहीं लगता क्या, निकल यहां से। अरे ठीक है भाई जा रहा हूँ। अरे अंकल ये क्या बोल रहे हो ऑफिसर। अरे वो आंटी मैं कोई अंकल वंकल नहीं हूँ, वो मना करी यहाँ से नहीं जा सकते, चलो पीछे घुमाओ। अरे शिनचैन यार बता आप यार क्या करें। यही वीक में मुझे क्या पता यार, अपनी तो प्लान बनाया था। अरे हाँ यार मेरे पास एक आइडिया यार, अपन यार रात तक यहाँ पे रुकते क्योंकि अभी तो यार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पुलिस वाले, अभी हम रात तक रुकते जैसे थोड़े पुलिस वाले काम हो जाएंगे यहाँ पे हम घुसेंगे और कुछ ना कुछ प्रूफ ढूंढेंगे ताकि हम पकड़ पाए उस चोर को जो भी जिसने मारा है उसको और हमको बहुत ही बढ़िया प्राइस मिल सकता है। यार यहाँ पे रुकते हैं पूरी रात आज तो। एरी टिकी पिकी भी है, चल यार यहाँ पे बेड लगा ले यार शिनचैन। A few minutes later. गाइस यार अभी हो चुकी है पूरी पूरी रात और यहाँ पे मैंने टॉर्च भी निकाल लिया अपनी गाड़ी में से। शिनचैन तो उधर ही रही है और मैं देख के आता हूँ। एरी टिकी पिकी भी है यार। और यार यहाँ पे देख सकते यार कितने ज्यादा पुलिस वाले थे यार। अभी तो थोड़े कम हो चुके पर अभी बहुत ज्यादा पुलिस वाले, मुझे आराम से जाना पड़ेगा, किसी को भी दिखना नहीं चाहिए। मैं यार मुझे देख लिया तो मुझे वो समझेंगे कि मैं ही मर्डर हूँ। तो जैसे जीते चलते हैं यहाँ से और यहाँ से निकलते सामने के सामने पुलिस वाले खड़े इतने सारे भाई, आराम से जाना पड़ेगा मुझे, कोई देख नहीं ले, मुझे कोई देख नहीं ले, बस आराम से यहाँ से निकलते और यहाँ पे देखते। अरे यार ये तो पुलिस वाला खड़ा है। अरे एक काम करता हूँ मैं इसको मार के इसकी ड्रेस पहने तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, इसको मार दे 3-2-1 के लिए। जल्दी इसको मैंने मार दिया, इसकी ड्रेस पहनते यार फटाफट से। तो गाइस यार अभी मैंने इसकी ड्रेस पहन लिया तो यार अभी मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा, आराम से चलते सीधे देखते हैं भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे देखते यार पुलिस वाले पूरी चेकिंग कर रहे हैं यार, भाई हर जगह चेकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, ये पूरी टॉर्च वॉर्च से ढंग से देख रहे हैं। और यहाँ पे वो तो वाटर देखो भाई कितना ज्यादा खून निकला है। और यहाँ पर ये क्या चीजें पड़ी है, अबे भाई ये क्या क्या चीजें पड़ी मुझे समझ भी नहीं आ रही। तो मैं पहले टॉर्च निकाल लेता हूँ, मेरे को ढंग से दिख भी नहीं रहा है। एक सेकंड में पहले टॉर्च निकाल लेते हैं अपनी टॉर्च एरी में से, यहाँ पे चलते हैं देखते हैं अगर अपन को कुछ मिल गया तो एकदम मजा आ जाएगा। और यहाँ पे देखो भाई कितने ज्यादा पुलिस वाले और यहाँ पे लगता है मुझे मीडिया वाले भी है, नहीं नहीं तो FIB वाले। और यहाँ पे देखो यार भाई पूरा चाकू पड़ा और यहाँ पे गर्दन पड़ी किसी की, भाई पता नहीं क्या ही चल रहा है यहाँ पे। और ये पुलिस वाला भी यहाँ पे खड़ा है और वहाँ पे उस साइड भी बहुत ज्यादा पुलिस खड़ी है और यहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ा है। कुछ ढूंढते हैं क्या पता अपन को कुछ मिल जाए जिससे सबूत हमको पता चलेगा किसने मारा है इसको, यहाँ पे कुछ है क्या यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिल जाए भाई मजा आ जाएगा। अरे एक सेकंड ये क्या चीज है, अरे ये तो किसी का पासपोर्ट है। अबे भाई किसका पासपोर्ट, जल्दी से इसको उठा ले तो भाई किसी को दिखना नहीं चाहिए। इसको उठाते हैं और यहाँ से निकलते फटाफट, इसको उठा लेता हूँ मैं यार। तो गाइस यार यहाँ से जल्दी से भागते हैं, हमने पासपोर्ट पूरा उठा लिया और देखते हैं यार किसका पासपोर्ट है ये। और यहाँ पे हमको आराम से जाना पड़ेगा, कोई पुलिस वाला हमको देख नहीं रही। जल्दी से यार यहाँ से निकलते राइट में से और शिनचैन के पास चलते हैं, सीधा घर चलेंगे। अभी तो यार बहुत ज्यादा रात भी हो गई है, जल्दी चलते हैं शिनचैन के पास पहले। तो गाइस यार अभी मैं गाड़ी में बैठ चुके और हम सीधे जाने वाले अपने घर पे। अभी रात बहुत हो चुकी है, हम सुबह देखेंगे किसका पासपोर्ट है। जल्दी जाके पहले सोते हैं फिर देखेंगे क्या है इसमें। The next day. तो गाइस यार ये रहा पासपोर्ट वो टेबल के ऊपर, हम दोनों ने देख लिया कि किसका पासपोर्ट है यार। हमको पता चल चुका है ये बहुत ही ज्यादा फेमस गैंग का पासपोर्ट है, जो यार इधर लॉस सैंटोस की सबसे फेमस गैंग है यार, वो बहुत ज्यादा लड़ाइयां करती है। उनका पासपोर्ट किसी उनके बॉस का पासपोर्ट है, यानी उन्होंने इनका मर्डर किया तो मुझे पता तो चल चुका है। अब इसी तरह चलते हैं उनके पास और उनको पकड़ते हैं सीधा और पुलिस वालों के हवाले करते हैं। ऐसे अपन कैसे पकड़ेंगे, अब शिनचैन कुछ ना कुछ तो करेंगे, उनको पकड़ के रहेंगे अपन को पुलिस वालों के हवाले करने ताकि अपन को एक बढ़िया सा प्राइज मिल सके। एरिया में मजा आएगा, चलो चलो चलो। Thank you.
भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है बिनोमा ऐप, जहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। बिनोमा ऐप की खास बात यह है कि iOS एंड एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिससे पता चलता है कि एक लीगल ऐप है। बिनोमा में आप मल्टीपल एसेट जैसे गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड, यहाँ तक कि मल्टीपल करेंसी जैसे डॉलर, यूरोस एक्सेट्रा में ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपको ग्राफ की फॉरकास्टिंग करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने इसमें 3500 रुपए लगाकर अपर इन्वेस्ट कर दिया और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपका लॉस भी हो सकता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसे कहां से मिलेंगे। आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, यानी 350 के 700, 1000 के 2000 रुपए। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाओगे तो आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 डेमो अकाउंट में मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाकर जल्दी डाउनलोड करो। तो गाइस अभी मैं उनके बेस पर आ चुका हूँ, आपको सामने दिख रहा होगा उनका बेस यार, बहुत सारी गाड़ियां वाड़ियां भी खड़ी है। इनको मारना चालू करते फटाफट बिना किसी देरी के, क्योंकि यार इसके बॉस को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब पता तो चली जाएगा मैं गन से मारूंगा। ये इन सबको मार दूंगा। ये लो भाई कितने सारे बंदे यार, आप देख सकते हो भाई इतने सारे बंदे तो सिर्फ एक गैंग में हो सकते, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है गैंग। अभी सीधा यहां से चलते और इनको मार दे जितने भी जने बचे, और बॉस को हम यहां से लेके जाएंगे सीधा पुलिस के हवाले करेंगे। तो ये ले और ये भी ले, तू भी ले, तू भी ले, और ये सामने खड़ा है ये भी ले तू भी ले, और ये भी बचा, इसको भी मार दिया मैंने। और यार मजा, और कौन बचा देखते हैं। और यहाँ पे कोई बचा है कि यार इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है यहाँ पे, तो यार और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े, इसको भी मारते हैं फटाफट से। और यहाँ पे देखते हो और इनका बॉस लग रहा है मुझे, तो यार इनको मुझे नहीं मारना है, मुझे याद रखना। और ये भी गन लेके खड़ा है, इसको भी मारते फटाफट से। इनके पास गन नहीं और तो कोई बचा नहीं, पहले देख लेता हूँ। अरे भाई अब तुम नहीं बचने वाले, सबको पुलिस के हवाले करने वाला हूँ। जानी तुम हमको पुलिस के हवाले करोगे, हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। अरे मैं डरता वरता नहीं किसी से, अरे अभी दिखाऊं मैं कैसे डरता। ये ले जानी, हमारे गुंडों को मत मारो, अब चुपचाप चलो तुम चारों को अभी गाड़ी में डालता हूँ, जल्दी चलना मेरे साथ। और किसी ने भी शान पट्टी करी ना, तुम्हारा पासपोर्ट है मेरे पास, सीधा पुलिस वालों को दे दूंगा और तुमको गोली से उड़ा दूंगा। जानी ठीक है हम चलेंगे। तो गाइस इन चारों को हम लेके चलते हैं यार, ये हमारा सबूत बन चुके हैं, हम पुलिस वालों को देंगे और हमको मिलेगा बहुत तगड़ा प्राइस, तो जल्दी से इनको बैठाते हैं। जानी तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हारा जो बेटा है ना शिनचैन, हम उसको जानते हैं, उसको उड़वा देंगे। अब शिनचैन किसी डरता नहीं, अभी तो तुमको पुलिस वालों के पास जाने वाला, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये गन देख रहे हो ना, सबको मार दूंगा, चुपचाप बैठ जाओ। जानी पछताओगे, अब चल डरता नहीं हूं मैं तेरे से, जल्दी चलते हैं यार। जानी मैं हूँ इनका बॉस और मैंने ये सब किया था। तो गाइस यार अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड मैसेज किया, जल्दी से यार पुलिस वालों को भेजता हूँ पहले। तो गाइस यार अभी मैंने उनको भेज दिया और अभी सीधा पुलिस आते हो कि मैंने उनको बता दिया कि यहाँ पे मुझे चोर मिल चुके जिन्होंने उनका मर्डर किया था। A few moments later. अरे विकी भाई इतनी सारी पुलिस थी, मैंने जब देखी थी जब आपको जेल लेके गई थी। अबे सिंचन यार याद मत दिलाया, तू कहो यहाँ पर दिस यार, इन सबको पकड़ लिया सारे पुलिस वालों ने। भाई इतने सारे गुंडे इनके यार, इन्होंने सबका पूरा मुंह खुल चुका है और इतने सारे गुंडे पकड़े गए यार, हमने बहुत ही बढ़िया काम किया। सारे की सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे आ चुकी है, सीधा बात करते हमारे प्राइस के बारे में। मैडम हमारा प्राइस कब मिलेगा हमें? अरे बेटा तुमने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया, तुम्हें इतना ज्यादा बड़ा प्राइस मिलेगा, तुम हमेशा याद रखोगे। तुम्हारा एड्रेस हमको बता दो, हम तुम्हारे वहाँ प्राइस भिजवा देंगे, जल्दी से एड्रेस लिखवा दो। अरे ठीक है लिखवा देता हूँ। तो गाइस यार अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, हम सीधे चलते हैं अपने घर पर, अपन को मस्त प्राइस मिलने वाला है। हमने यार गुंडों को तो पकड़वा दिया, जो कि यार मर्डर कर रहे थे उनको पकड़वा दिया। एरिफिक भाई अपने भी इतने जनों को मर्डर किया, मैं आपको पुलिस को बता दूंगा। अबे चुप हो जा भाई शिनचैन, एरिफिक भाई तो बता दो, रुको गाड़ी को। तो गाइस यार पूरे 3 दिन हो चुके हैं, हमारे प्राइस आए हुए यार, हमने बहुत सारी चीजें कर ली, हमारे पूरा का पूरा घर अपग्रेड कर लिया। अभी आपको दिखाता हूँ पूरा घर हमारा कैसा बढ़िया हो चुका है, और मैंने एकदम मस्त मस्त कारें भी ले लिया। अभी आपको बहुत सारी चीजें पूछनी है, हमसे पूछता हूँ। और यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे कार रखने का हमने बहुत सारी जगह बनवाई है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना हम कौन कौन सी कारें यहाँ पे रखी, क्योंकि हमारे बहुत सारी जगह कार रखने के लिए, और ऊपर वाला फ्लोर भी हमारे कार रखने के लिए। आपको दिखाता हूँ भाई, इतना ज्यादा बड़ा घर हमने कर लिया, यहाँ पे भी मस्त इतनी सारी कारें रख सकते हैं, बहुत सारी कारें रख सकते हैं। और ऊपर वाले फ्लोर पर मैंने सोचा कि यहाँ पे बाइक रखूंगा, तो मुझे बाइक बताना कौन कौन से रखे, कमेंट में जरूर जाके बता देना। और अभी आपको लेके जाता हूं हमारे जिम पे, पहले यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाते, यहाँ पे हम बाइक रखेंगे, नीचे गाड़ी रखेंगे। पहले आपको सीधा लेके जाता हूं अपने जिम में, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया जिम है। यहाँ पे दिस यार कितना ज्यादा मस्त हमने जिम बना लिया, और यहाँ पे सीधा बैठ जिम करो, यहाँ पे सो जाओ, मस्त सनलाइट आई, यहाँ पे काम करो और यहाँ पे सो जाओ एकदम बढ़िया तरीके से। तो गाइस यार ये रहा हमारा नीचे का एरिया, हमारा घर अभी भी और नीचे ही, तो बहुत ऊपर के फ्लोर बनाया है। यहाँ पे देखो बैठने का एरिया मस्त, यहाँ पे खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाला सीन एकदम बढ़िया वाला। शिनचैन पता नहीं कहाँ जा चुके, पता नहीं कहाँ मजे कर रहा है, आपको पूरा का पूरा दिखाता हूं। अभी तो और भी चीजें बहुत सारी बाकी है, यहाँ पे हम सीधा जाएंगे तो यहाँ पे हमने एक ओपन लिविंग रूम बनवा लिया है। यहाँ पे सीधा हम बैठ कर आराम से टीवी देख सकते हैं, शिनचैन एक्शन काम भी देखता है यार, मजा मजा आता है। अरे हमने घर के अंदर कुछ ज्यादा चेंज कराया नहीं, हमने घर के ऊपर मस्त मस्त घर बनवा दिया, मतलब दो तीन फ्लोर बना लिए। और यहाँ पे हमने स्विमिंग पूल के सामने देखो कैंप फायर लगा हुआ, और यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स लगवा दिए ताकि कोई यहाँ से अंदर नहीं आ सके, और ये बहुत ज्यादा बढ़िया भी लगता है। अभी आपको दिखा दो मेरे बाहर का व्यू, यहाँ से अपन चढ़ते हैं ऊपर और देखो यार भाई अपना घर कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अभी तो और भी चीजें बहुत सारी होने वाली, तो जैसे यार मुझे कमेंट बताना मैं क्या क्या करवाऊँ यार। तो गाइस यार
आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो यार, हमारा घर कैसा लगा, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो, और डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन और फॉलो कर लो, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।